मैं ये चूड़ियाँ पहन लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी दिन से पहन रखी हूँ, तो इसे निकाल लेती हूँ। ऐसे मैं येलो ढूंढ रही थी बट मुझे येलो के ना सिर्फ एक ही मिल रहे हैं, तो मैं यही पहन लेती हूँ। पता नहीं एक टूट गया है या पता नहीं कहाँ है, तो मैं पहले ये पहन लेती हूँ। इसे मैंने दोनों पहन ली है और नेल पेंट अभी सही सलामत है, तो नेक्स्ट वीकेंड में कभी लगा लेंगे। और थोड़ी सी अपने फेस को टचअप दे देती हूँ मैं। फ्रेंड्स, तो मैं अभी अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। नहाने के बाद ना मैं एक बार सिंदूर लगाई और जाके सो गई थी क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रही थी, पता नहीं ऐसे क्यों होने लगी थी। मतलब ऐसे सो ही नहीं, ऐसे मैंने विक्स लगाया सर को और सर को दुपट्टे से बांध के थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, बट कृष्ण मुझे सोने नहीं दिया। सोना भी नहीं था क्योंकि नींद भी नहीं आ रही थी, तो ऐसे ही जस्ट मैं मेडिसिन ली और ऐसे बालों को मतलब सर को ऐसे बांध के फिर लेट गई। तो अभी थोड़ा सा सही लग रहा है, तो मैं सोची चलो उठ जाती हूँ और थोड़ी सी फ्रेश हो जाती हूँ। तो हो सकता है कि फ्रेश वो चिली पाउडर की वजह से हुआ हो या पता नहीं कैसे। तो चलिए इसी के साथ वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुष्का ब्लॉग्स। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ठंड जाने लगी है, मौसम अच्छी होने लगी, यहाँ पे तो धूप वूप होने लगी है, तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इस टाइम से वीडियो के एंड करने तक आप देखिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। आज कुछ स्पेशल प्लान है, तो वो स्पेशल एक्स्ट्रा स्पेशल हो पाता है या नहीं हो पाता है। मैंने लॉन्ग कुर्ती डाली है, ये देखिए, और मुझे जींस भी डाल लिया है। मेरे घर पर ना अभी अस्त व्यस्त हो पड़े हैं क्योंकि अभी नहीं बताऊंगी। वीडियो आप सब्सक्राइब करो, देखते रहो कि मैं कहाँ कब कैसे जा रही हूँ, तो अभी नहीं बता रही हूँ। हाँ थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि कहीं जाने वाली हूँ ट्रिप पे, तो फटाफट मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं कहाँ जाऊँगी और क्या क्या करूँगी सब आपको पता चले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बिल्कुल नहीं सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। व्यू तो सही सा ठीक ठाक है लेकिन सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो फैमिली फ्रेंड के साथ और लाइक करो, कमेंट करो, और कैसी वीडियो आप लोगों को देखनी है वो भी बताओ ताकि हमें पता चले कि हमें किस तरह की वीडियो लानी है। तो चलो लेट ना करते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्यों रो रहे हो, क्यों इतना रोए जा रहे हो, बाप रे कितना आँख से आंसू गिर गया, दिखाओ दिखाओ क्यों रो रहे हो, क्यों बाप रे क्यों इतना रोना आ रहा है बाबू को, रो लिए फिर इतना कैसे, चुपो चुपो। चिकन 2 kg से, अच्छा 2 kg चिकन में एक लीटर दूध की दही लगेगी पूरा। हाँ। में क्या है, मिर्ची स्पाइसी खाते हैं ना, क्योंकि बच्चे लोग तीखा ही है। और ये कांदा लहसुन इम्पोर्टेंट होता है, कांदा लहसुन नहीं पर है मेरे पास तो डाल देती हूँ क्योंकि हम भी इस मेरे पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। टर्मेरिक पाउडर ओके, सॉल्ट, ये खड़ा पुदीना डालो, ये थोड़ा सा बिरयानी मसाला इसमें, अच्छा मैरिनेशन में भी डालो, गरम मसाला, गरम मसाला ओके, क्योंकि बनने के टाइम भी गलती है तो अभी ऐसे मैरिनेट अच्छे से हो जाए। ये फ्रिज में रखूंगी अभी, इसको तब तक नहीं निकलेगा जब तक बनाने का प्रोसेस, जब तक बनाने का प्रोसेस नहीं शुरू होता है। हो गया, नमक डल गया, यस सब तीखा मीठा डल गया बस।
ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है, इसे हम फ्रिज में रख देंगे 5 घंटे के लिए, क्योंकि हमारे पास 5 घंटे इनफ टाइम है। और अगर जल्दी बनाना है तो आधे एक घंटे में भी बन जाता है। तो इसे पहले अच्छे से कवर कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए, और इसे हम फ्रिज में रख देते हैं और आगे का प्रोसेस शाम को स्टार्ट करेंगे। तो चलो उसे फ्रिज में करके रख लेते हैं। ये कुछ खड़े मसाले ले लिया है, कुछ दालचीनी है, स्टार है और शाही जीरा है। शाही जीरा इम्पोर्टेंट है, लौंग है और ये बहुत सारा अनियन 2 kg है, तो 1.5 kg हमने अनियन चॉप किया है। 4 लेमन है और रायता के लिए काकड़ी है, खीरा है। तो ये पानी में ना सारे ड्राई फ्रूट्स को रख देंगे, ताकि पानी में राइस बनाना है तो ड्राई फ्रूट्स ऐसे उसकी मतलब खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसीलिए इसमें गोल मिर्च, सारे जितने भी हरी इलायची और दालचीनी सारे रख देंगे, और उसमें कुछ सॉल्ट भी मिला देंगे क्योंकि राइस फीका फीका नहीं बने। इसे हम अच्छे से उबाल आने तक गर्म करेंगे। और हमारे साथ क्रिशु भी है, यहाँ पे मेन शेफ यहीं है। तो ये देखिए, अब पानी में अच्छे से उबाल आ गई, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और ये 15 मिनट के लिए हमने बिरयानी राइस भिंगा के रखा था। तो अब ये राइस को ड्रेन करके पानी में डाल देंगे, उसे हाफ़ कुक करेंगे। ये राइस बन के तैयार है, हाफ़ कुक है, फुल कुक नहीं है। और ये कुछ धनिया पत्ता और पुदीना मोस्ट होता है इसमें, तो पुदीने को चॉप करके रखा है। और ये हमने 1 पाव से भी ज़्यादा प्याज को तेल में ब्राउन से भी डार्क ब्राउन होने तक ऐसे भून लिया है। और उसी तेल जो बचा है ना, उसी में हम फिर से तेज़पत्ता और जो पुदीना चॉप किया हुआ था ना, वो डाल के प्याज को भून लेंगे। और इसे भी हम मुलायम होने तक भूनेंगे, इसमें नमक डाल देंगे ताकि अच्छे से भून जाए, बिल्कुल भी गल जाए। और ये देखिए, जो हमने पहले प्याज निकाला था ना, कुछ इस तरह बिल्कुल भी क्रंच करके निकाला है, क्योंकि इसे हम लेयरिंग करेंगे। और ये अनियन को अच्छे से भून लेते हैं, बहुत ही अच्छे से भूनना है जब तक ये इसकी सारी पानी निकल ना जाए। और ये जिंजर गार्लिक और पुदीने की पेस्ट है, बिरयानी के लिए पुदीना ही मोस्ट होता है क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है ना। तो इसमें हम बाद में टोमेटो चॉप करके बारीक में डाल दिए थे। और ये देखिए, बहुत अच्छे से ये प्याज और टोमेटो भी गलना शुरू हो गया। और यहाँ पे रायता की तैयारी हो रही है, तो हम दोनों तीनों मिलके ऐसे कट कर रहे हैं। और ये हमारा मैरिनेशन चिकन है, जो कि हमने 5 घंटा पहले रखा था। और ये हमारे पास 2 कलर है, सेफ्रॉन और ग्रीन, और वाइट राइस होता ही है इसीलिए दोनों कलर खिलकर आएंगे, इसलिए हमने 2 कलर लिया है। और ये देखिए, अब ये पूरा जो मैरिनेशन चिकन है ना, वो जाएगा अनियन और टोमेटो वाले प्यूरी में। और इसे बहुत ही अच्छे से हम चला लेंगे, अच्छे से चलाते रहेंगे काफ़ी टाइम तक, क्योंकि इसे अच्छे से मिलना हो। कौन कौन से मसाले हैं? टिकट ये कांदा लहसुन पाउडर बेटा, कांदा लहसुन पाउडर मतलब मिर्ची, ये हल्दी और नमक। एक अपरे नमक कितना डालोगे? उसमें भी डाला था। अरे पूरी फीकी होती है, तुम देखना। सब्जी मसाला, शाही गरम मसाला निकालो क्या? बिरयानी वो शाही मसाला है। अच्छा, यही है बिरयानी मसाला। ये क्या बिरयानी मसाला? यहाँ पे सारे मसाले पड़ गए हैं, और मसाला डालने के बाद अच्छे से चलाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे चलाने लीजिए। और इसमें हमने सुहाना का सारे मसाले ऐड किए हैं। तो सुहाना का मसाला ना बहुत ही माइल्ड होता है, उसका कुछ हार्ड टेस्ट नहीं होता है। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से ढक के नहीं पकाना है, नहीं तो पानी पानी हो जाएगा। इसमें ऑलरेडी दही है तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, तो इसे खुला खुला ही पकाना है। और मैरिनेशन है ही, तो बहुत जल्दी कुक हो जाता है चिकन। अब चलिए हम लेयर कर लेते हैं, लेयरिंग की बारी है। तो आधा चिकन हम दूसरे पतीले पे निकाल लिए हैं, और आधा चिकन हम दूसरे पतीले में, और पहले राइस 1 लेयर डाल दिए, फिर हम घी डाल रहे हैं।
और घी के बाद हम इसमें कलर ऐड करेंगे, जो सैफ्रन और ग्रीन जो हम पानी में भिंगो के रखे हैं उसे ऐड कर रहे हैं। और ये कृषो भी यहाँ पे परेशान कर रहा है, तो कोई बात नहीं। और पुतीने जो खड़े हैं ना वो, और जो रोस्टेड अनियन था वो हम सारे ऐड कर लेते हैं। और लेमन बहुत ही ज़रूरी है, तो हाफ लेमन हम इसमें पूरे में निचोड़ लेंगे। और अब दूसरी लेयर की भी बारी आ गई है, तो चलो अब दूसरी लेयर कर लेते हैं। दूसरे में भी हमने राइस रखे हैं निकाल कर, चिकन और राइस, तो उसको भी करेंगे। ये दूसरा लेयर भी हमारा बनने लगा, तो ये ना बहुत अच्छे से ऐसे फिर इसको दम करेंगे। तो दम करने के लिए इसे लेयरिंग करके और अच्छे से ढकना होता है। तो ये देखिए जैसे जैसे ये लेयर हो रहा है ना, ये जब पक के निकलेगा तो बहुत ही अच्छे से निकलने लगता है और बहुत ही स्वादिष्ट बना था। इस तरह आप भी अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी उन्होंने बनाई थी बिरयानी, और उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पता नहीं अब कैसी रेसिपी आपको चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए अब फाइनल हम इसको कर रहे हैं। इसमें ग्रीन और वाइट और सैफ्रन अच्छा लग रहा है ना कलर। अब इसमें धनिया की जो कटी हुई पत्ती है और पुदीने की वो डाल लेंगे, और जो सारे जो बचे हैं ना हमारे अनियन रोस्टेड उसे हम कर लेंगे। ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना, जितनी अच्छी देखने में लग रही है उससे भी बहुत अच्छी खाने में लग रही थी, बहुत अच्छी बनी थी। और ये लास्ट हमारा लेमन, और इसे हम अच्छे से कवर कर लेंगे, ढक लेंगे, ताकि इसमें जो स्टीम बने ना वो स्टीम बाहर निकलना नहीं चाहिए। और ये थोड़ी सी सूखी राइस निकल गया था बच्चों लोग के लिए, तो ये देखिए ये तवा के ऊपर अब ये धीरे धीरे केवल स्टीम से पकेगा, इसमें आँच बहुत कम लगेंगे। तवा पहले हीट होगा, फिर धीरे धीरे उसके स्टीम से बिरयानी दम होगी। तो इसके ऊपर ना उन्होंने पत्थर रख दिया था क्योंकि स्टीम पास ना हो, तो इस तरह कुछ। अब ये दूसरा पतीला भी हम तैयार कर लेते हैं, तो चलो हम तैयार करते हैं। दोनों पतीला तैयार हो चुका है, और यहाँ पे अवेलेबल कुछ हेवी चीज़ नहीं है ना, तो हमने हैवी चकला ही रख दिया था। ये देखिए बहुत अच्छी बनी है, तो आप भी अपने किचन में ट्राई कीजिए। और मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।